एचईसी की जमीन पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। कार्रवाई को लेकर प्रशासन का रवैया भी उदासीन नजर आता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी मदर ऑफ इंडस्ट्री के रूप में शुमार एचईसी भू माफियाओं और दलालों के कब्जे में फंस चुका है। हालांकि एचईसी में अतिक्रमण लगातार होता रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे अतिक्रमण की बाढ़ आ चुकी है। इधर दिवाली में रंगो रोगन एवं मरम्मती के नाम पर जहां ठोस निर्माण जारी है, वहीं दर्जन भर से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बाद भी धुरवा थाने की नजर अतिक्रमणकारियों पर नहीं पड़ती। लिहाजा एक निर्माण के सह पर सैकड़ों अवैध निर्माण हर दिन हो रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन हो या पूर्व में भी यहाँ पर एचईसी का जो जमीन है, एचईसी का सरकारी जमीन जो भारत सरकार के द्वारा अलॉटमेंट है, एचईसी आवासीय परिसर में रहने वाले जो एचईसी में कार्यरत लोग हैं उन्हीं के परिवारजन के द्वारा ही अतिक्रमण किया गया है। चाहे इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं इस कुछ कहा नहीं सकता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा अपेक्षित सहयोग एचईसी को न मिलने के वजह से भी एचईसी इसको हटाने में अक्षम है। पुलिस का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहता है। हम लोगों ने अनेक पूर्व में भी अनेक एफआईआर किए हैं भू माफिया पर, आज तक उसमें किसी की भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लॉकडाउन के बाद कार्रवाई नहीं होने के कारण लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। हम लोग अपने सीमित संसाधन से उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलेगा हम उन्हें रोक पाने में सफल नहीं हो रहे हैं। हमने काफ़ी एफआईआर, दर्जनों एफआईआर कराया है अतिक्रमण से संबंधित में। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब तक मजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग के पास नहीं आ जाता है दंडाधिकारी के साथ, तब तक हम लोग सहयोग करने में असमर्थ। इधर एचईसी अपनी क्षमता के अनुसार लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए पहुंचता है, लेकिन स्थानीय दबंगों और एचईसी के ही कई अधिकारियों की साठगांठ की वजह से कार्रवाई नाकाफी नजर आती है। ऐसे में कई लीजधारी और आवंटित इस मौके का खूब फायदा उठा रहे हैं और दिवाली के मौके पर मरम्मत और रंग रोगन के नाम पर निर्माण करा रहे हैं। एचईसी के सुरक्षा प्रभारी अरविंद कुमार सिन्हा ने कई बार इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और पुलिस से सहयोग मांगा है, मगर पुलिस अब भी आग बंद कर सोई हुई नजर आती है। जब सैया भैल कोतवाल तो काहे का डर, कुछ ऐसा ही हाल एचईसी में है जहां की बेसकीमती जमीन पर धड़ल्ले अवैध निर्माण चल रहा है और जिसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। ऐसे में रांची पुलिस को यह आगाह करना जरूरी है कि यदि इस पर अभी गंभीर नहीं होती है तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवालिया निशान उन्हीं पर होगा। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत।